एक और बड़ी खबर आपको दे दें, फिरोजाबाद से है। शुकोआबाद के आदर्श जनता स्कूल बूथ पर दो ईवीएम खराब हैं। ये बड़ी जानकारी है फिरोजाबाद से। शुकोआबाद के एक स्कूल में दो ईवीएम एक साथ खराब, 305 और 307 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। ये बड़ी जानकारी है और इसी पर अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से, लगातार नजर बनाए हुए हैं। अविनाश देखिए, 305 और 307 ये बूथ संख्या बताई जा रही है जहां पर ईवीएम में खराबी। क्या कहते हैं अधिकारी इस खराबी को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया, टेक्निकल एरर आया, कुछ ही देर में उसको ठीक कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से फिर मतदान की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि अभी पूरे फिरोजाबाद जिले की अगर बात करें, तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और 9 बजे तक अगर बात करें तकरीबन हर बूथ पर 10% मतदान तक हो चुका है। और वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से आप दो बूथों का नाम बता रही हैं, यहाँ पर ईवीएम खराब होने की जरूर सूचना आई है, लेकिन वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं लगातार वो वहाँ पर पहुँचे हैं और ईवीएम को ठीक करके जल्द से वहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मैं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तमाम सारी महिलाएं हैं इनके अंदर उत्साह है। यहाँ पे ये लोग मतदान करने के लिए आई हुई हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से ये लोग मतदान करने आई हैं। आप लोग के क्या मुद्दे हैं, क्यों मुद्दों के साथ आप लोग मतदान करने आई हैं? आप लोग मतदान करने आए, क्या मुद्दे हैं आप लोग? महंगाई कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चल रही है महंगाई और बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी के बाद ध्यान देना चाहिए, महंगाई और बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर लग रही हैं, क्या आपके भी कौन से मुद्दे, क्योंकि युवाओं को लेकर काफ़ी बात हो रही है, आप क्या कहें? युवाओं के लिए नौकरी के लिए हम बदलाव चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो और विकास हो और वुमेन एम्पावरमेंट की भी हम बढ़ाई हो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बढ़ाई हो और भी तमाम लोग हैं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच के यहाँ पे वोट डालने आई हैं? आप क्या सोच कर आई हैं वोट डालने? आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं, आपके कोई मुद्दे हैं? तमाम सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे वोट डालने जरूरी है, लेकिन वो बोलने से कहीं ना कहीं बसती हुई नजर आ रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग के मुद्दे क्या हैं, आप लोग यहाँ पे मतदान करने के लिए आए? हम इसलिए आए हैं कि यहाँ सिलेंडर पर बहुत महंगाई कर दी है, 950 का सिलेंडर भर चुके हैं और बच्चे क्या हम बना के खवा सकें बच्चों को, क्योंकि इतनी महंगाई कर चुके हैं। बिल्कुल अविनाश, कई सारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास।